हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल ऑपरेटर। और नॉर्मल ऑपरेटर हम हिल्बर्ट स्पेस के अंडर करेंगे, जो कि हमारे एमएससी के फोर्थ सेमेस्टर का है। ये सिलेबस इनर प्रोडक्ट स्पेस में है ये कंप्लीट। तो इसमें हम नॉर्मल ऑपरेटर एक टॉपिक टॉपिक टू टॉपिक वाइज हम करेंगे इसको। टॉपिक उठा के चल रहे हैं आज का नॉर्मल ऑपरेटर। और नॉर्मल ऑपरेटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले, फिर इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स है जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आती है, उस थ्योरम्स का हम प्रूफ करेंगे और उनको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं आज यहाँ पर कि हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर है होता कैसे है, कैसे बनता है। ठीक है, एच मैंने जैसे कि अभी बोला, मैंने हिल्बर्ट स्पेस के अंदर हम सारी बात कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एच मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है, क्योंकि किसी हिल स्पेस की तो बात कर रहे हैं, स्पेस के अंदर ही तो काम कर रहे हैं। तो हम पहले मानेंगे एच मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है। इस हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कोई भी ऑपरेटर होगा, जो मेरे पास एच है, एच हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कोई भी ऑपरेटर नॉर्मल कब बनेगा, इफ़ अगर वो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के अंडर कोई भी ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर कब बनेगा, जब मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो ये कंडीशन है क्या, पहले हम वो देखते हैं कि इट कम्यूट्स विद इट्स एडजॉइंट। जो हमारे पास इट माने मतलब यहाँ पे जो बात चल रही है वो एन की चल रही है। अगर मेरे पास वो एन जो ऑपरेटर है वो कॉम्यूट्स कर जाए अपने एडजॉइंट के साथ। ठीक है, एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर जाए। अब यहाँ पे जो कॉम्यूट्स का मतलब है, जैसे कि हमने अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है। ग्रुप थ्योरी में हम करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या करते हैं, उसके दो से उस सेट से दो एलिमेंट लेते हैं, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर ये दोनों चीज़ इक्वल आ जाती हैं तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है। उसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर की बात चल रही है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ए बी बराबर बी है, इससे लिंक करते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है ना, उसी से लिंक करके हम एक न्यू नॉलेज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑपरेटर एन की, तो एन ऑपरेटर हो गया, इसका जो एडजॉइंट लेंगे वो लेंगे हम एन स्टार। अगर एन अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए की जगह एन हो गया, बी की जगह एन स्टार हो गया, तो कैसे लिखते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, बी को ए के साथ करें, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर एन को एन स्टार के साथ और एन स्टार को एन के साथ, तो क्या ये मेरे पास जो ये प्रॉपर्टी है ये होल्ड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एन ऑपरेटर है वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, और जो ये एन स्टार है, जो ये एन स्टार है, इसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ द ऑपरेटर एन। एन ऑपरेटर का एडजॉइंट बोलते हैं, क्लियर है। तो इसको हम एक अच्छे से कैसे करेंगे, किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होगा, उसमें कोई ऑपरेटर टी होगा, टी हो, एन हो, एम हो, जो भी ऑपरेटर हम वहाँ पे डिफाइन करें, टी अगर हमारे पास या एन मान लेते हैं, हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, अगर एन मेरे पास कोई भी ऑपरेटर वहाँ पे एन हो, तो उसको नॉर्मल ऑपरेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने एडजॉइंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कॉम्यूट्स करना पड़ेगा, कि वो अपने एडजॉइंट के साथ अगर कॉम्यूट कर जाए तो वो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर बन जाएगा। और जहाँ पे ये एन स्टार जो है, इसको बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ द ऑपरेटर। अगर बाई चांस हम यहाँ पे बोल दें टी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में, यहाँ पे एन ऑपरेटर लिया हिल्बर्ट स्पेस में, अगर मेरे पास कोई भी ऑपरेटर टी है, तो उसको नॉर्मल ऑपरेटर मैं कब कहूँगी, जब ये अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट कर जाए। सेम प्रॉपर्टी, जहाँ पे ये टी स्टार जो है ये है टी का एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इसको नॉर्मली ऐसे ही बोलेंगे, किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर को नॉर्मल बनने के लिए अपने एडजॉइंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूट करना पड़ेगा। अब ये थ्योरम है जो कि फर्स्ट थ्योरम है ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर की। ठीक है, अब इसमें हमने नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन कर चुके हैं, उसका एक सिंपल सा फंडा है कि
किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर उठाओ, कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है उसमें कोई भी ऑपरेटर उठाओ, उसको नॉर्मल होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि अपना एडजॉइंट के साथ क्या करेगा, वो कॉम्यूट करेगा। अगर टी है तो टी स्टार के साथ कॉम्यूट करेगा, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ वो प्रॉपर्टी होल्ड करानी है और हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में नॉर्मल बन जाएगा। अब ये थ्योरम उसी से रिलेटेड है, इसको अच्छे से सबसे पहले अच्छे से समझेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एन वन और एन टू मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है ऑन एच में। जो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे उसको हम प्रूफ में, पहले जो होता है कि प्रूफ का जो मतलब किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ में कि जो चीज़ें हमें गिवन है, जो हमें मिली हुई हैं वो लिखेंगे, और फिर जो हमें प्रूफ करना है देन उसके बाद वो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले, इफ़ एन वन एन टू आर नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस एच में अगर मेरे पास एन वन और एन टू दो नॉर्मल ऑपरेटर दे दिए, ठीक है। अब तक तो हम बोल रहे थे कि किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी एक ऑपरेटर आ जाए तो वो नॉर्मल कैसे बनता, वो कंडीशन है। अब दो हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डैट, ठीक है, जो गिवन है, गिवन डैट एन वन एंड एन टू आर नॉर्मल ऑपरेटर है ऑन एच, हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास एन वन और एन टू दो नॉर्मल ऑपरेटर है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर, हिल्बर्ट स्पेस में नॉर्मल ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर कोई भी हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी अगर हमारे पास ऑपरेटर होता है वो नॉर्मल कब बनता है, जब वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या करता है, कॉम्यूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर ये चीज़ है देन बाय डेफिनेशन एन वन जो है अगर मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है तो वो कब बना होगा, जब वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या करे, सॉरी अपने एडजॉइंट के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट्स करेगा, क्लियर। तो ये लिख दिया मैंने एन वन के लिए, बेटा समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ कि एन वन एन टू दो नॉर्मल ऑपरेटर दे दिए मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में है, वो मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर हैं, तो वो नॉर्मल ऑपरेटर कब बने होंगे, जब वो अपने एडजॉइंट के साथ कब बने होंगे, जब वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर रहे होंगे, कॉम्यूट्स कर रहे होंगे, तभी तो बने होंगे। तो ये हो गया एन वन बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर फॉर एन वन के लिए। एंड अब सिमिलरली एन टू भी नॉर्मल ऑपरेटर है, तो वो कब हुआ होगा, जब एन टू अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा होगा, कॉम्यूट्स कर रहा होगा, लिख दिया ना, एन वन अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है और एन टू अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इनका जो गिवन चीज़ें हो, गिवन होती है हमारे पास, इनको हम यूज़ करते हैं अपना प्रूफ लाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने तो ये लिख ली जो हमें पहली लाइन गिवन है, फिर उसके बाद विद द प्रॉपर्टी, जो एच है हमारे पास उसमें जो दो ऑपरेटर दिए एन वन और एन टू, उनमें क्या प्रॉपर्टी है, विद द प्रॉपर्टी डैट आइदर कॉम्यूट्स विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर। मतलब क्या कह रहा है इस लाइन का, मतलब क्या है बेटा कि इसमें ये तो है ही है, हिल्बर्ट स्पेस में दो ऑपरेटर हैं ये तो है ही है, साथ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हमें पास गिवन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो गिवन है, गिवन क्या है, ये चीज़ तो है ही है कि वो दोनों नॉर्मल ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में, बट साथ में एक प्रॉपर्टी दे दी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं एन वन लेती हूँ तो वो कॉम्यूट्स करेगा, आइदर कॉम्यूट्स, अगर मैं एन वन लेती हूँ तो वो कॉम्यूट्स करेगा विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर। मतलब एन वन और एन टू मेरे पास दो हैं, तो जो एन वन होगा वो कॉम्यूट्स करेगा ऑफ द अदर, दूसरे के एडजॉइंट के साथ,
N1 N2 के एडजेंट के साथ कॉम्यूट करेगा और N2 N1 के एडजेंट के साथ कॉम्यूट करेगा, तो यहां से हो जाएगा N2 स्टार। क्लियर हो गया? इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? आइदर कॉम्यूट्स, मतलब ये है और ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है। इफ एंड ओनली इफ का केस चलेगा। N1 जो एक है हमारे पास, दोनों ऑपरेटर N1 कॉम्यूट्स करेगा एडजॉइंट ऑफ द अदर। जैसे कि यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा, बट यहाँ पे क्या है कि वो अपने दूसरे के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा। तो N1 N2 के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा। क्लियर? इफ एंड ओनली इफ का केस है बेटा। एंड ठीक है, N2 N1 एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा। क्लियर? देखो, जो कि चीज हमें गिवन दी हुई है उसको ही हम उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, किस तरीके से हमें ये चीज गिवन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो हमारे थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि N1 जो है, यहाँ पे तो ये था कि नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन की वो अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा, बट यहाँ पे क्या है कि N1 N2 के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा और N2 N1 के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करेगा। कॉम्यूट्स विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर। यहाँ तक ही क्लियर साक्षी? यहाँ तक बेटा सारा क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे बेटा वो बता देती हूँ। कहीं पे हमारे पास इस तरीके से आएगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आए तो ऐसे लिख दें, ऐसे आए तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो वहाँ पे ये चीज़ें मेरे पास यूज़ होंगी। ठीक है, पर यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देन उसके बाद क्या है, जो दो ऑपरेटर्स लिए हैं उनका सम और उनकी प्रोडक्ट क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि N1 N2 दो नॉर्मल ऑपरेटर हैं हिल्बर्ट स्पेस में, उनका एडिशन और उनका प्रोडक्ट, उनका एडिशन और उनका प्रोडक्ट दोनों का क्या, वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। N1 प्लस N2 एंड N1 N2 आर नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए तो बेटा एक ही कंडीशन है कि वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या करे, कॉम्यूट कर जाए, तो हमारी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने इसको बेटा पार्ट वाइज किया हुआ है, तो जितनी भी थ्योरम्स, अगर मैंने अपना ट्रिक किया हुआ है कि अगर जितनी भी थ्योरम्स होती है अगर उसको हम पार्ट वाइज करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट वन में क्या है, वी विल प्रूव डैट, वी विल प्रूव डैट N1 प्लस N2 is normal। एक के लिए करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट हम दूसरे के लिए करेंगे। नॉर्मल ऑपरेटर भी लिख सकते हो आप आगे। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करेंगे, वी विल प्रूफ डैट N1 और N2 मेरे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, N1 प्लस N2 दोनों अलग अलग नॉर्मल है, उनकी एडिशन भी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ना बेटा एक चीज़ और समझने को आई है कि अगर मेरे पास कोई भी ऑपरेटर में दोनों मतलब हिल्बर्ट स्पेस में दो नॉर्मल ऑपरेटर हैं, उनकी एडिशन और प्रोडक्ट दोनों को नॉर्मल होने के लिए साथ साथ में एक कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए कि N1 N2 के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करना चाहिए और N2 N1 के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर सकती है। कहीं भी अगर हम थियोरेटिकल लिखते हैं, मतलब यूज़ करते हैं कि N1 N2 दो नॉर्मल ऑपरेटर हैं तो उनका एडिशन भी नॉर्मल होगा, देन उनका मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सबसे पहले ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ है तो हम तभी इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। N1 और N2 को मुझे नॉर्मल प्रूफ करना है, तो मैंने बोला है हिल्बर्ट स्पेस में किसी भी ऑपरेटर को नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि N1 N2 जो भी है जैसे लिखा उसको अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या करना चाहिए, कॉम्यूट करना चाहिए। अगर मुझे इसको नॉर्मल प्रूफ करना है और मैं प्रूफ कर दूं कि N1 प्लस N2
ये पूरा एक ऑपरेटर हो गया, ये अपने ही एडजोइन के साथ, इसका एडजोइन क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला था कि एन लेके चल रहे हैं, अगर मैं टी ले लेती हूँ तो इसका एडजोइन टी स्टार हो जाएगा, तो इसी तरीके से एन वन प्लस एन टू का एडजोइन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्टार लगा देंगे, ठीक है। अगर ये अपने ही एडजोइन के साथ कॉम्यूट कर जाए तो नॉर्मल बन जाएगा, तो मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, एन वन प्लस एन टू ये अपने एडजोइन के साथ इक्वल टू, अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाए एन वन प्लस एन टू, देखो मैं अभी बता देती हूँ यहाँ पे, एन वन प्लस एन टू का ये आ जाए, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा कि एन वन प्लस एन टू अपने ही एडजोइन के साथ कोम्यूट कर रहा है, यहाँ से देख लो, इसको पूरे को एक मान के चलना है, पूरे को जैसे यहाँ पर कैपिटल एन मान लूँ मैं, कैपिटल एन स्टार, कैपिटल एन स्टार एन, तो एन अपने एडजोइन के साथ कॉम्यूट कर गया, तो वही चीज़ है कि अगर ये अपने एडजोइन के साथ कॉम्यूट कर जाए तो मेरी कंडीशन होल्ड हो जाएगी और ये नॉर्मल बन जाएगा, तो मतलब मुझे इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब करते हैं बेटा, यहाँ पे आप डेट इज लगा के लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है, हमें प्रूफ करना है नॉर्मल है, डेट इज़ क्या प्रूफ करना है कि एन वन प्लस एन टू अपने ही एडजोइन के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट कर जाए। अब इसका प्रूफ करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूँगी, थोड़ा सा माइंड में आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब देख, इसको अभी मैं लिखा रहने देती हूँ जो ध्यान रहे। अब मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं ये पार्ट लेके चलती हूँ, ठीक है। क्या है, एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू का एडजॉइंट, ठीक है, ये वाला अपने एडजॉइंट, ये वाला पार्ट लेके कि अपने एडजॉइंट के साथ अगर कॉम्यूट कर जाएगा तो मेरे पास ये नॉर्मल ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, एन वन प्लस एन टू, फर्स्ट तो एज इट इज है, अब सेकंड है बेटा, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एडजोइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनको यूज़ करेंगे, तो हम मैं इसको साइड में बताती चली जाऊँगी कि एडजोइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उसी बेस पे। यहाँ पे एन वन प्लस एन टू का एडजोइन, ठीक है, दोनों का होल एडजोइन है, तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मल जो हम ऑपरेटर करते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर, वहाँ पे कंडीशन होती है, अगर टी वन टी टू मेरे पास दो ऑपरेटर हैं, अगर मैं उनका एडजॉइंट लेती हूँ अंडर एडिशन, टी वन टी टू दो मेरे पास ऑपरेटर हैं और उनका मैं अंडर एडिशन एडजॉइंट लेती हूँ, तो वो क्या हो जाता है, अलग अलग के एडजॉइंट के, ये कंडीशन है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों के केस में होगा, पर माइनस में हम देखेंगे किस तरीके से करना, वो स्केलर से रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन हो जाएगा। टी वन प्लस टी टू का स्टार, टी वन प्लस टी टू का होल स्टार जो है वो इक्वल हो जाएगा टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार। अब देखो, यहाँ पे एन टी टी वन टी टू की जगह क्या है, एन वन एन टू, तो यहाँ पे मेरे पास एन वन प्लस एन टू का होल स्टार, तो वहाँ पे उस कंडीशन की वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, एन वन का स्टार प्लस एन टू का स्टार, अलग अलग। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में सेट करना है बेटा कि मेरे पास एन वन प्लस एन टू ये दो ऑपरेटर हैं, अगर उनका एडिशन हो रहा है फिर उसका एडजॉइंट हो रहा है, तो वो अलग अलग के एडजॉइंट के बराबर आ जाता है, एडजॉइंट दिस प्लस एडजॉइंट दिस, क्लियर, ये कंडीशन कर दी। अब जैसे कि हम सिंपली अपना मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन करते हैं, जब दो फैक्टर आ जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। देखो, एन वन की इससे करेंगे, एन वन, एन वन स्टार प्लस एन वन, एन वन की एन टू के साथ, एन टू स्टार प्लस एन टू की एन वन के साथ, इसको बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख लेना, ठीक है, एन वन की एन वन स्टार, एन वन टू इसकी एन टू की एन वन स्टार, एन टू एन वन स्टार प्लस एन टू की। और एक चीज़ और बेटा यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखनी है, जब जो फर्स्ट ये वाला पोर्शन होगा इसको पहले ही रखना है, एन वन
एन वन स्टार, ऐसे नहीं लिख सकते एन वन स्टार, क्योंकि जब तक हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर वाली कंडीशन होल्ड नहीं होती है तब तक हम नहीं लिख सकते, ये प्योर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन टू एन वन स्टार, एन टू स्टार, ठीक है। अब बेटा इसको अभी एज इट इज रखते हैं, हम प्रूफ की साइड जा रहे हैं थोड़ा सा। अब देखो जो सेकंड मैंने आपको बताया था, सेकंड डेफिनेशन क्या थी, सेकंड डेफिनेशन में हमने बोला था कि एन वन जो है वो अपने दूसरे के एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे बोला था एन वन एन टू स्टार के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, तो वहाँ पे मेरे पास एन वन एन टू स्टार है, एन वन एन टू स्टार है, तो इस वाले की जगह मैं ये लिख सकती हूँ क्योंकि इसके इक्वल है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एन टू स्टार एन वन, क्लियर। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में था कि जो एन टू ऑपरेटर है मेरे पास वो दूसरे के एडजॉइंट के साथ मतलब एन वन के एडजॉइंट के साथ कमिट कर रहा है, तो इसको ये लिख सकते हैं बेटा ये वाली प्रॉपर्टी। अब मेरे पास जो है वो ये चीज़ की बन है, ये किसके इक्वल है, ये, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख सकती हूँ मैं एन वन स्टार एन टू, ये चीज़ एज इट इज। अब बेटा ये कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन टू, लिख देना यहाँ पे बेटा फ्रॉम इक्वेशन टू से आई है, ठीक है, जो हमने कंडीशन लिखवाई थी। अब देखो अब बेटा एन वन और एन टू दोनों नॉर्मल ऑपरेटर हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने क्या लिखवाया था कि एन वन अपने ही एडजॉइंट के साथ कम्यूट करेगा जब नॉर्मल ऑपरेटर है, एंड एन टू भी नॉर्मल ऑपरेटर है तो वो भी अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करेगा, क्लियर। अब देखो ये चीज़ मेरे पास है बेटा, इस ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह ये लिख सकती हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने एन वन स्टार एन वन, ये एज इट इज़ अभी लिखा रहने दिया क्योंकि पहले हमने मिड वाली टर्म्स को चेंज किया था। फिर एन टू स्टार ये किसके इक्वल है, इसके, तो इसकी जगह मैं ये लिख लूँगी एन टू स्टार एन टू, ये कहाँ से आया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो बेटा इसमें ये चीज़ यहाँ पे ये हमारे पास हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे एन वन एन टू, बेटा यहाँ पे सॉरी एन वन रहेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, दिस एन टू एन वन एन वन एन टू एन टू स्टार एन टू, क्लियर। अब देखो यहाँ से इन दोनों में इस वाले फैक्टर को देखेंगे और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा एन वन, ठीक है, और इस ये क्या है रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास एन वन स्टार प्लस एन टू स्टार, कोई डाउट, ठीक है। कॉमन लेने वाला जो छोटी क्लासेस में हम करते हैं बेटा फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन जो नाइन्थ क्लास में भी आता है बहुत सिंपल होता है, उसमें कॉमन वाला पोर्शन करते हैं, ठीक है। सिमिलर अब देखो बेटा यहाँ पे हिमांशु बेटा देखो यहाँ पे एन टू है यहाँ पे भी एन टू है तो एन टू कॉमन हो जाएगा बेटा। अब एन टू मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे एन वन स्टार प्लस के एन टू स्टार। अब देखो ये सिंपल वही प्रोसीजर चल रहा है बेटा जो हम नाइन्थ क्लास में अपना फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन करते हैं। रिद्धि बेटा समझ आ रहा है, साक्षी सभी को समझ आ रहा है बेटा अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में दोनों में क्या कॉमन है, मेरे पास यहाँ पे भी ये सेम है यहाँ पे भी ये सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे एन वन एन टू ये तो डिफरेंट है पर यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ मेरे पास क्या है सेम है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो एन वन का होल स्टार प्लस के एन टू का सॉरी एन वन का स्टार प्लस एन टू का स्टार, ठीक है, और रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा यहाँ पे एन वन प्लस एन टू, ये बाहर लिया यहाँ से एन वन बचा प्लस ये बाहर ले लिया यहाँ से बचा एन टू,
क्लियर। अभी बेटा हमने एक कंडीशन करी थी कि अगर मैं पूरे का होल एडजॉइंट लेती हूँ अंडर एडिशन, तो वो अलग अलग के हो जाता है। अब मेरे पास ये वाली चीज़ गिवन है, अब देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ये चीज़ गिवन है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इसको मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम एन वन प्लस एन टू, अलग अलग है, तो ये जो चीज़ है ये वाले दोनों ऑपरेटर, इनका एडिशन कर दिया, ऊपर होल एडजॉइंट लगा दें, एन वन प्लस एन टू कर दिस। अब बेटा इधर ये चल रहा था हमारे पास एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू का स्टार। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, नॉर्मल कर तो दिया, एन वन प्लस एन टू क्या कर रहा है, अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है, ये है स्टार, फिर ये स्टार पहले आ जाएगा और ये वाला पार्ट बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो एन वन प्लस एन टू अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर गया, कॉम्यूट कर गया, हम ये लेके चले थे और हमने ये प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से ये हो गया कि ये क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेटर होगा, क्यों, क्योंकि ये अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है। ओके, तो क्लियर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन वन प्लस एन टू इज नॉर्मल। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे नॉर्मल प्रूफ हो गया, क्लियर है, एन वन प्लस एन टू अपने ही एडजॉइंट की ये चीज लेके चले, ये प्रूफ कर दिया। हाँ बेटा, हाँ यही तो चीज जैसे हम करते थे बेटा, टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, तो क्या करते थे, ये अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट, ये बाद में तो ये पहले आ जाता है, तो ये अपने एडजॉइंट के साथ यहाँ पे ये है ऐसे एडजॉइंट, ये वाला पहले आ जाता है, तो ये वाला पहले आ गया, ये एज इट इज, ठीक है, तो कॉम्यूट कर गया, तो ये हमारे यहाँ से नॉर्मल ऑपरेटर हो गया। सेकेंड पार्ट, पार्ट सेकेंड, टू प्रूव दैट अब हमने ये तो कर दिया, ये वाला पोर्शन कर चुके हैं ना, अब हमारे पास पार्ट सेकेंड में क्या करना है, हमने एन वन प्लस एन टू, एन वन और एन टू क्या होंगे, इस नॉर्मल, हमें प्रूव करना है कि ये नॉर्मल ऑपरेटर है। ठीक है, कहाँ पे, हिल्बर्ट स्पेस में एन वन एन टू नॉर्मल ऑपरेटर होगा, तो इसका मतलब क्या, डेट इज एन वन एन टू, ये ले लिया, ये ही अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए बेटा, कॉम्यूट कर जाए, क्या कर गया बेटा, कॉम्यूट कर गया। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी होती, एन एन स्टार इक्वल टू एन स्टार एन। अब हम सिमिलर उसी तरीके से ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और ये वाला पार्ट हम ले आएंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, नाउ एन वन एन टू, एन वन एन टू का जी, अब ये पार्ट लेके चली, मैं वो लेके आऊँगी विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये चीज़ देखो बेटा, एन वन एन टू मेरे पास एज इट इज़, अब ये है बात तो वही था, वहाँ पे मेरे पास क्या था, अंडर एडिशन था, एडिशन था टी वन प्लस टी टू, तो जब उसका एडजॉइंट लगता है तो वो यहाँ पे आ जाता है, प्लस साइन एज इट इज़ दिस। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट है एन वन एन टू का हेलोजॉइंट, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है बेटा अंडर एडजॉइंट, टी वन प्लस टी टू अगर मेरे पास दो एडजॉइंट है, अगर मैं उनका, और टी वन प्लस टी सॉरी टी वन और टी टू दो मेरे पास ऑपरेटर हैं, अगर मैं उनका होल एडजॉइंट लेती हूँ तो वो क्या हो जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है बेटा और आगे वाला पीछे चला जाता है, क्लियर। देखो कैसे, अंडर मल्टीप्लिकेशन लिया तो एज इट इज रहा, सिर्फ स्टार लग गया, क्लियर। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हमने टी वन टी टू का होल स्टार, दो ऑपरेटर लिए उनका एडजॉइंट ले लिया, तो क्या हुआ, टी वन टी टू का एडजॉइंट लिया मैंने, तो मेरे पास क्या हुआ, जो
पिछले वाला है, पीछे वाला है, वो आगे आ जाएगा स्टार के साथ, और जो आगे वाला है वो चला जाएगा पीछे, रिवर्स हो जाते हैं, अपोजिट। T1 T2 है तो T2 T1 हो जाएगा और साथ में स्टार आ जाएगा, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, N1 और N2 का होल स्टार ये है, ठीक है। तो N2 पहले आ जाएगा, N1 बाद में आ जाएगा और साथ में स्टार एडजॉइंट, ठीक है। ये N2 एडजॉइंट है, ये है N1 एडजॉइंट, क्लियर। इतना आप देखो बेटा, N1 N2 N2 स्टार N1 स्टार। अब बेटा मैंने अभी जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें था कि N1 N2 अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो N1 कॉमिट करेगा, मैं साइड में लिख देती हूँ बेटा, पहले इसको ना रफ कर देते हैं जिससे वो चीज़ हमारे पास थोड़ा सा यूज़ हो जाए, ठीक है। क्या था हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि अगर N1 की बात करूँगी मैं तो N1 N1 स्टार के साथ, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटर है, साथ में N2 सॉरी N2 N1 N2 नॉर्मल ऑपरेटर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है, ठीक है। अब देखो बेटा ये चीज़ दिख रही है, N2 N2 स्टार, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल क्या है वहाँ पे, N2 स्टार N2 N1 स्टार, ठीक है। इस N2 N2 स्टार की जगह मैंने ये वाला पोर्शन रख दिया, इसकी जगह ये, क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जोन सी भी इक्वेशन यूज़ कर रहे हो वो रखनी है। अब बेटा एक चीज़ और, फिर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी इस वाली प्रॉपर्टी के साथ, कि N1 जो है वो N2 के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है, एंड N2 जो है वो N1 के एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है, N1 N2 के साथ, N2 N1 के साथ, इक्वेशन नंबर सेकंड थी। अब देखो बेटा ये चीज़ देखना, N1 N2 का स्टार ये किसके इक्वल है मेरे पास, इसके इक्वल, तो मैंने रख दिया यहाँ पे ये चीज़, क्लियर। इस वाले की वैल्यू पहले इसमें कैसे याद रखना है, पहले मिड फिर साइड साइड, ठीक है। आप देखो N2 N1 स्टार ये वाली वैल्यू, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो रख दी बेटा N1 स्टार N, क्लियर। कोई डाउट, पहले क्या किया मिड, मिड को चेंज किया हमने, मिड को कर दिया इसमें इसकी हेल्प से, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये इक्वेशन नंबर सेकंड से, फिर साइड को ये इसकी जगह और इसकी जगह ये, क्लियर। अब देखो फिर मिड पे N1 N स्टार इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसके इक्वल क्या है ये N1 स्टार N1 N2, क्लियर। यहाँ से ये चीज़ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, पहले मिड फिर साइड, ठीक है, फिर मिड, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, पहले मिड फिर साइड फिर मिड, क्लियर। अब बेटा अभी मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ की है, जो रिजल्ट यूज़ किया है, T1 T2 का अगर एडजॉइंट लेते हैं, पूरे का प्रोडक्ट में अगर एडजॉइंट ले रहे हैं तो वो रिवर्स हो जाते हैं, अब पिछला वाला आगे आगे वाला पीछे और स्टार लग जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है N2 का स्टार प्लस N1 का स्टार, तो बेटा अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ दिस रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अगर ये वाला एडजॉइंट N1 N2, अब देखो कैसे वही तो चीज़ लिखी है, इस ये चीज़ थी मेरे पास, इसको इसके इक्वल लिख दिया, कैसे जो पिछले वाला वो आगे, इसमें सिंपल सा याद रखना है इस तरीके से, अलग मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये रिवर्स हो जाता है, अगर इसके ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो N1 N2 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो N2 N1 हो जाएगा, ठीक है। उसे हमने उस रिजल्ट से इसको लिखा है, क्लियर है बेटा।
यहाँ पे अगर हम रिजल्ट याद ना रहे तो कैसे करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो क्या करते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर होता है उसका एडजॉइंट हुआ, ब्रैकेट के अंदर हुआ तो उसमें क्या होगा, जो लास्ट वाला वो पहले आ जाएगा, पहले वाला लास्ट में पहुंच जाएगा, और जब ब्रैकेट ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे, ब्रैकेट के बाहर जाते ही रिवर्स, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर ऐसे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जाते ही रिवर्स, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई, सिंपल सा ट्रिक है कि कैसे याद रखना है, जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आए, ब्रैकेट के अंदर ऐसे तो बाहर जाके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और जब अंदर आएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। जैसे कि हम अपनी सिंपल लाइफ में कुछ मतलब लोग के ऐसे होते हैं कि बाहर जाके उनका कुछ और बिहेवियर होता है, घर के अंदर कुछ और बिहेवियर होता है, तो घर के अंदर ऐसे हैं और घर के बाहर ऐसे हैं, पलट जाते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया है। इस तरीके से माइंड में सेट करना कि घर के अंदर इस तरीके से हैं, बिल्कुल सीधे सिंपल बच्चे हैं, ठीक है, घर के बाहर जाके शैतानियाँ और बहुत सारी हरकतें करते, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि घर के अंदर ऐसे बाहर ऐसे। तो हमने यहाँ पे देखो बेटा क्या कर दिया, एन वन एन टू लेके चले, वो अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर गया, कॉम्यूट कर गया, कैसे, ये चीज़ लेके चली और मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दी। तो यहाँ से बेटा ये चीज़ आ गई एन वन एन टू, एन वन एन टू अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर गया, कैसे, ये लेके चले और ये आगे आगे ये पीछे, कॉम्यूट वाली प्रॉपर्टी ए बी बराबर बी ए, तो एन वन एन टू अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर गया, कॉम्यूट कर गया, जब कॉम्यूट कर गया अपने एडजॉइंट के साथ तो वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, क्लियर। तो यही चीज़ हमें आज की यही इस वाली थ्योरम में यही चीज़ था कि अगर ये दो नॉर्मल ऑपरेटर हैं और वो एक दूसरे के एडजॉइंट के साथ भी क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं, तब हमारे पास वो दोनों ऑपरेटर का एडिशन भी नॉर्मल होगा, प्रोडक्ट भी नॉर्मल होगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे सिर्फ बेटा मिड साइड मिड, ठीक है, और ये चीज़ हो गया कि घर के अंदर है तो ऐसे, घर के बाहर है तो चेंज हो गया।